जी, तो जिन स्टूडेंट ने ट्राई किया है और उनका नहीं हुआ, वो बता सकते हैं किस पॉइंट से वो आगे मूव नहीं कर सके? दो क्वेश्चन थे, 2 दिन थे आपके पास बिल्कुल और आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। आप बताओ तो सही, किस पॉइंट की समझ नहीं आई? यहाँ ट्राई करना गवारा ही नहीं किया आप लोगों ने। पूरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हैं और उनमें से किसी एक स्टूडेंट ने भी ट्राई नहीं किया है, और अगर ट्राई किया है तो ये पता ही नहीं है किस पॉइंट से हम आगे मूव नहीं कर सके। यही टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ाते हुए मुझे आज चौथा चौथा या पांचवा लेक्चर है और अभी तक आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने एक भी लेक्चर घर घर में नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों का सरप्राइज क्विज हो जाए तो आप लोग क्या करो? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अफसोस है वैसे।
ये इसका जो सलूशन है वो मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और खुद ही ट्राई कीजिएगा किस पॉइंट के कहाँ से कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, ठीक है? बाकी आप लोग इस काबिल नहीं हो गए, आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन की जाए, आप जस्ट कोर्स कवर करने के सिचुएशन में हो। कोर्स पढ़ो और काम मुकम्मल कर। ये 2002 सैंपल के साथ जब हम जी टेस्ट यूज करते हैं, अब इसी सिचुएशन में अगर हमारे पास दो सैंपल हैं और हमने उन दोनों को कंपेयर करना है, और हमारे पास है जो टेस्ट है वो जी नहीं, हम किस सिचुएशन में टी टेस्ट यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन था असाइनमेंट में जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। वहाँ पे हमने जी टेस्ट यूज किया था, यहाँ पे हम टी टेस्ट यूज करेंगे। आपने वहाँ पे देखा होगा, अगर देखने की कोशिश की, यहाँ पर आपको सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन गिवन है। सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन गिवन है, लेकिन साथ में जो एन है आपके पास है, वो ग्रेटर देन 30 है, इसलिए हम जी टेस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक भी रेगुलर स्टूडेंट्स का या दूसरे स्टूडेंट्स का सैंपल साइज लेस देन 30 होता, तो हम जी की बजाय टी टेस्ट की तरफ मूव कर जाते, ठीक है? अगर हमारे पास जो सैंपल साइज है रेगुलर स्टूडेंट्स का और दूसरे स्टूडेंट्स का लेस देन 30 होता, तो हम टी टेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब हमारे पास जो सिचुएशन है, इसमें हमारे पास जो सैंपल साइज है, एक का 44 है और एक का 19 है, ठीक है? और हमारे पास है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल का गिवन है। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन होता, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम सैंपल साइज को इग्नोर करते हुए जी टेस्ट यूज करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो हम एन को भी चेक करते हैं, सैंपल साइज को भी चेक करते हैं, और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन हो तो हम एन को चेक नहीं करते। अब हमारे पास एन है लेस देन 30, 30 से छोटा सैंपल साइज है, तो हम टी टेस्ट की तरफ मूव करते हैं।
ये विलियम जी कोई एक बंदा है, ये चेक करना चाहता है कि उसके स्कूल का जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है वो इफेक्टिव है या नहीं है। उसको एवेलुएट करना चाहता है। तो किसी चीज़ को अगर आप एवेलुएट करोगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, लेस नेगेटिव भी हो सकती है, टू साइडेड हो सकती है। उसकी जो कारकर्दगी है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, दो साइड्स पे है। इसलिए हम टू टेल टेस्ट यूज करेंगे एवेलुएट करने के लिए कि उसकी कारकर्दगी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस है। जब हमें चेक करनी है तो इसके लिए हमारे पास हाइपोथेसिस आएगा कि रेगुलर स्टूडेंट्स के और एफर्मेटिव एक्शन स्टूडेंट्स के जो मीन है वो बराबर है, और उसका अल्टरनेटिव आएगा कि उसका मीन है बराबर नहीं है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जहां पर गिवन ना हो वहां पर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे। ठीक है, जहां पर भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास गिवन नहीं होगा वहां पर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे। अल्फा 5% होगा। टेस्ट स्टेटिस्टिक में हमारे पास टी का वही फॉर्मूला है जो जी का फॉर्मूला है। ठीक है, टी इज इक्वल टू एक्स बार आर माइनस एक्स बार ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इनमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एक्स बार ए हमारे पास 86.4 है। ऊपर टेबल को देखते हुए हमने इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमने फिर इनको सिंप्लीफाई करना है। इनको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टी का आंसर आ रहा है 0.3969। ठीक है, इसके बाद हमें मूव करना है इसका क्रिटिकल रीजन। इसका क्रिटिकल रीजन वन सैंपल टी टेस्ट से मिलता जुलता है। अगर तो हमारे पास टू सैंपल टी टेस्ट है और टू टेल्ड है तो हम कहेंगे टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी अल्फा बाई टू इन टू। पहले था एन वन, सॉरी एन माइनस वन। यहाँ पर हमारे पास टू सैंपल्स हैं तो एन माइनस वन इसके साथ और एन माइनस वन इसके साथ, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन वन प्लस एन टू माइनस टू, एक पहले सैंपल का एक दूसरे सैंपल का, एन जो वन है वो प्लस हो जाएगा तो वो माइनस साइन के साथ है, तो एन वन प्लस एन टू माइनस टू हमारे पास इसका बन जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद इनमें वैल्यूज पुट करेंगे टी 0.3639, टी अल्फा बाई टू, अल्फा था हमारे पास 0.05, डिवाइडेड बाई टू किया तो 0.025 आ गया। इसके बाद इनमें वैल्यूज पुट करती
ठीक है, एन आर हमारे पास रेगुलर का एन 44 है, एन ए हमारे पास 19 है, माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारे पास आया 0.3969 ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी 0.025 और 61। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 61, 44 प्लस 19 माइनस 2 61। तो इसको आपने टेबल में से चेक करना है। सिक्सटी पे और 61 पे आप देखो कि यहाँ पर जाकर जो वेरिएशन है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर 2.000 है और यहाँ पर 1.990 है, यानी कि अगर हमारे पास 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0.001 करता है डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं 2.000, ठीक है। ये हमारे पास 2 टेप का था, ये 1 टेप का 0.025, 60 पे हमने देखा 2.00, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी 2.000, ये पी वैल्यू आपका उसका हिस्सा नहीं है, इसको रहने दें, ठीक है। अभी आपने चेक करना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है, तो ये जो दरमियान वाला सिंबल है ये हमारा गलत साबित हुआ, कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एज कैलकुलेटेड वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन टेबल वैल्यू एट अल्फा 0.05 So, do not reject the null hypothesis. It is concluded that affirmative action program for students who has no difference from the regular student. हमने अब evaluate कर दिया कि उनमें कोई difference नहीं है, दोनों same हैं, ठीक है, समझ आ गई इसकी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कोई स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? आप लोग तैयार रहिएगा, किसी भी दिन आपका सरप्राइज क्विज हो सकता है, जिस तरह की आपकी ये परफॉर्मेंस चल रही है तो सरप्राइज क्विज लेना बनता है। ठीक है,
किसी भी दिन आप लोगों का सरप्राइज क्विज हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है।